लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी एक महान इंसान है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दरअसल हम आपको बता दें कि अंत के ओवर में एम्पायर ने नो बॉल को नो बॉल करार नहीं दिया था, जिस पर महेंद्र सिंह धोनी काफी भड़क गए थे, लेकिन मैच के बाद उन्होंने एम्पायर से सॉरी बोला है। जी हाँ, एम्पायर से ना गलती होने के बावजूद भी महेंद्र सिंह धोनी से जब यह पूछा गया कि आखिर वह एम्पायर पर क्यों भड़क गए और अपनी जीत के बारे में वह क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि एम्पायर की गलती थी जिस पर मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या महेंद्र सिंह धोनी को एम्पायर से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, या फिर एम्पायर ने जो किया वह क्रिकेट को शर्मसार करने वाला था? दरअसल हम आपको बता दें कि अंतिम ओवर में जो कि नो बॉल थी, उसे एम्पायर ने नो बॉल करार नहीं दिया। जी हाँ, वह हिप से ऊपर की बॉल थी, जिसे अक्सर नो बॉल करार दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब एक एम्पायर उसे नो बॉल करार दे चुका था, लेकिन दूसरे एम्पायर ने उसे नकार दिया और नो बॉल करार नहीं दिया, जिस पर महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी भड़क गए और वह मैदान में भी एम्पायर से इस पर चर्चा करने के लिए पहुँच गए थे और काफ़ी गुस्से में भी देखे गए। इसी पर महेंद्र सिंह धोनी ने जब मैच जीत जाने के बाद उनसे पूछा गया तो उन्होंने सॉरी बोला है और कहा है कि इस तरह की गलतियां एम्पायर ना करें तो क्रिकेट में ज़्यादा बेहतर होगा और परिणाम आगे से बदलेंगे भी। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें।